अमेरिका नेपाल को एमसीसी के तहत 48 करोड़ डॉलर देगा। एमसीसी को हमने 3 घंटे लगातार पढ़ा और उसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार निकला जो हम आपको बता रहे हैं। नेपाल ने दिखाया अमेरिका को अपना दम और कहा हम नहीं हैं किसी से कम। तो दोस्तों, नेपाल इस समय अमेरिका द्वारा दी जा रही 48 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि को ठुकरा रहा है, क्योंकि नेपाल के बहुत सारे नेता, बहुत सारे हिंदू संगठनों का दावा है कि यह पैसा नेपाल को या नेपाल में ईसाईकरण को बढ़ावा देगा। और कुछ नेताओं का, जैसे माधव कुमार नेपाल जैसे नेता, जिन्होंने खुल के हिटौड़ा में होने वाली एक सभा में कहा कि यह पैसा नेपाल के लिए नुकसानदायक है। तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि नेपाल में ईसाईकरण जो हो रहा है उसमें माधव कुमार नेपाल का भी कहीं ना कहीं कोई हाथ जरूर है। लेकिन इस समय माधव कुमार जी से अमेरिका नाराज है, इसलिए माधव कुमार अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। और नेपाल जैसे लोगों का कहना है या एनजीओ का कहना है कि यह पैसा नेपाल में ईसाईकरण को बढ़ावा देगा। और कुछ नेपाली नेताओं का कहना है कि यह पैसा चीन के विरोध में नेपाल को दिया जा रहा है। और कुछ नेपाली नेताओं का कहना है कि यह पैसा हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक की तरफ से नेपाल को मिल रहा है या इंडो पैसिफिक ज्वाइन करने के लिए नेपाल को मिल रहा है। और इंडो पैसिफिक जो है वो चाइना के विरोध में खड़ा किया गया एक गुट है, ये कहना है कुछ नेपाली नेताओं का। इसलिए उन नेपाली नेताओं का कहना है कि यह 48 करोड़ डॉलर अमेरिका से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम पिछले 3 घंटे से एमसीसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हमने जो इसके बारे में पढ़ा उसका निष्कर्ष एक ही निकाला कि एमसीसी के तहत बहुत सारे देश पैसा ले चुके हैं। और जिन देशों ने एमसीसी के तहत पैसा लिया उनमें 63% देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गरीब देशों की लिस्ट में आते हैं। हालांकि इंडोनेशिया और श्रीलंका ने भी एमसीसी से पैसे लिए हैं। श्रीलंका ने यह पैसे अपनी सेना को उन्नत बनाने में खर्चा किया और इंडोनेशिया ने यह पैसा अपने विकास कार्यों में लगाया। हमें इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला कि यह पैसा ईसाईकरण को बढ़ावा देता है। लेकिन दोस्तों, सही से देखा जाए अफ्रीका के जिन देशों में यह पैसा गया है वहाँ पे ईसाईकरण जरूर हुआ है। तो कह सकते हैं कि इस पैसे का कुछ ना कुछ हिस्सा ईसाई एनजीओ को जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अब यह पैसा नेपाल को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, ये पैसा नेपाल को विकास कार्यों के लिए दिया जा रहा है, विद्युत परियोजनाओं में खर्चा करने के लिए दिया जा रहा है। यह पैसा नेपाल में बैठे क्रिश्चियन एनजीओ के हाथ में जाएगा, इसका कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन यह अवश्य कह सकते हैं कि इस पैसे का कुछ ना कुछ हिस्सा एनजीओ को जरूर जाएगा, क्योंकि एमसीसी के तहत कुछ शर्तें भी होती है जिनको मानना पड़ता ही है। इसलिए मान सकते हैं इसका कुछ पैसा ईसाई एनजीओ को जरूर जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यह पैसा विकास कार्यों में खर्चा होगा। अब यदि नेपाल सरकार या नेपाल इस पैसे को नहीं लेता है तो इस रकम में से एक बहुत बड़ी रकम निकाल के नेपाल में बैठे क्रिश्चियन एनजीओ को दे दी जाएगी। तो क्रिश्चियन एनजीओ को वो पैसा मिले, इससे अच्छा तो ये है कि नेपाल सरकार वह पैसा ले ले। हालांकि एमसीसी से जो पैसा लेता है उस देश की साख दुनिया की नज़र में कुछ कम जरूर होती है, क्योंकि एमसीसी दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब देशों को विकास कार्यों के लिए पैसा देता है और उसी पैसे की आड़ में
कहीं कहीं धर्मांतरण भी करता है। तो एमसीसी से पैसा लेने के बाद नेपाल की साख कुछ जरूर कम होगी। नेपाल इस प्रोजेक्ट पे या एमसीसी से पैसा लेने के लिए 2014 से काम कर रहा है, क्योंकि यह चैनल नेपाल के लिए स्पेशल खोला गया है। तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि कुछ बताएं, हमारी राय में यह पैसा नेपाल सरकार को ले लेना चाहिए, नहीं तो इस पैसे में से कुछ पैसा जरूर नेपाल में बैठे क्रिश्चियन एनजीओ के पास चले जाएगा। तो क्रिश्चियन एनजीओ के पास जो पैसा जाना होगा वो जाएगा ही जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। ये सब प्राइवेट बातें हैं, सरकारी स्तर पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी स्तर पे वो पैसा नेपाल के विकास कार्यों के लिए आ रहा है और वहाँ पे धर्मांतरण संबंधी बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे द्वारा 3 घंटे तक एमसीसी के बारे में पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि नेपाली लोगों का जो दावा है कि यह पैसा नेपाल में ईसाईकरण को बढ़ावा देगा या चीन के खिलाफ है, वो पूरी तरह गलत है। यह पैसा केवल और केवल विकास कार्यों के लिए है और इस पैसे को लेने के बाद कुछ जो शर्तें अमेरिका द्वारा नेपाल के सामने रखी जाएगी उनका पालन नेपाल सरकार को करना ही होगा। और हो सकता है अमेरिकी सरकार नेपाल के सामने ये शर्त रखे कि नेपाल में जो ईसाईकरण हो रहा है उसको नेपाल सरकार नहीं रोके, ऐसा शर्त रख सकती है। लेकिन दोस्तों ये एक अंदाज है, यह सच होगा कि नहीं होगा इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है। लेकिन एमसीसी से जो पैसा मिलता है वो केवल और केवल देश के विकास कार्यों के लिए खर्चा किया जाता है। वैसे भी दोस्तों मुस्लिम देशों द्वारा नेपाल को जो मदद दी जाती है उस पैसे का 70 या 80% भाग केवल मस्जिद बनाने में इस्तेमाल होता है नेपाल में, और यूरोपीय कंट्रियों द्वारा जो पैसा दिया जाता है उस पैसे का इस्तेमाल नेपाल में चर्च बनाने के लिए होता है। ये हम कई साल से देख रहे हैं। नेपाल में 3000 मस्जिद और 14000 चर्चों का निर्माण इसी के अंतर्गत हुआ है। तो दोस्तों इसके दो पहलू हैं, पैसा लेने में भी नुकसान और न लेने में भी नुकसान। न लेने में ज़्यादा नुकसान, लेने में कम नुकसान।